नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से आ रही है, जहां थाना निजामाबाद के अंतर्गत आने वाले ग्राम बढ़िया में 50 वर्षों से पुरानी पुलिया पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई थी, जहां हरिजन बस्ती का पानी इसी पुलिया से निकासी होती थी। पूर्वजों से गांव का पानी एवं बरसात का पानी निकासी होती रही है, परंतु 15 दिन पूर्व गांव के दबंग एवं मरबड़ किस्म के लोगों ने पानी को रोक दिया है। बढ़िया बस्ती का पानी रुक जाने से गांव के गरीब असहाय लोगों का पानी न निकलने की वजह से दिक्कत खड़ी हो गई है। गांव के लोगों ने SDM सदर को प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराया। SDM महोदय ने सदर तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि को पुलिया खुलवाने के लिए आदेशित किया। पुलिया का पानी जब खुल गया तो पुनः पानी का बहाव पुनः की तरह बहना चालू हो गया। राजस्व विभाग के चले जाने के तत्काल बाद रात में पुलिया को फिर दबंग एवं मनबड़ों द्वारा मिट्टी एवं ईंट से पाट दिया गया, जिससे पानी पुनः रुक गया। पानी रुकने से गांव के बस्ती के रामजन्म, संजय, मनीष आदि लोगों का घर पानी के रुकने से गिर गया, जिससे बस्ती के रहने में कोई जगह नहीं है। किसी तरह से छप्पर डालकर जीवन यापन कर रहे हैं बढ़िया गांव के लोग। इसे लेकर आज बढ़िया के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में बता दें कि राधे श्याम, गुलाब, गोविंदा, कमला देवी, परमीला, फूला, सरिता आदि सहित DM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया तथा DM महोदय को ज्ञापन देकर तत्काल पुलिया से पानी निकलने के लिए मांग किया। DM महोदय के आश्वासन पर आज शाम तक पुलिया खुलवा दिया जाएगा, ऐसा लोगों को आश्वासन दिया गया। आजमगढ़ से इंडिया और न्यूज के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। क्या आपकी समस्या है? समस्या क्या है? हमारी समस्या यही है कि नाला और बरसात का पानी हमारे गांव से क्या करो, पोखरी में गिरे। अच्छा, कितने दिन पानी भरा था आपका? लगभग 100 साल से ऊपर भरा था। क्या आप अप्लीकेशन तहसील पे दिए थे AGM महोदय को? तहसील दिवस पे दिए थे और AGM साहब को एक दो बार दरखास्त की। अच्छा, वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला? कहे कि जाओ, तुम्हारा जो कि थोड़ा पानी खुल जाएगा, पुलिया का मुँह खुल जाएगा और जाकर तहसीलदार साहब ने खुलवाए। तुरंत वो तहसीलदार साहब जब निकलने लगे तो जो कि सब दबंग गिरा जो है थे घेर लिए और घेर के घेर लिए और उसके बाद कहने लगे कि तुम जाओ पाट लो। आज DM साहब के हम लोग आए हैं धरना देने, क्या आपको आश्वासन मिला DM साहब? DM साहब कह रहे हैं कि फिर जाओ तुम लोग शादी कर, तुम्हारा नाला खुल जाएगा। यही सब शाम को। हाँ, अगर शाम तक आपने नाला नहीं खुदा, लोग क्या करेंगे? फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।